हिंदुस्तान नेटवर्क HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शकूर अली दरवेशी और आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कौंसल पर, जहां पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर अमजद हुसैन के एजाज में एक प्रोग्राम मुनद किया जा रहा है। हमारे दरमियान मारूफ और लेजेंड सिंगर अरशद महमूद साहब मौजूद हैं, हम इनसे आइए आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम भैया, क्या हाल है आपके? खैरियत से सर? आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से, अल्लाह शुक्र। साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए हमारे मुल्क के अंदर? बिल्कुल होने चाहिए। अमजद हमारा बहुत पुराना साथी है और मैंने और अमजद ने मिल के हम लोगों ने पाकिस्तान के बाहर बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, अमरीका में, कैनेडा में, और पाकिस्तान के मेरा ख्याल पूरी हिस्सा बच गया होगा जहाँ हम लोगों ने इकट्ठे प्रोग्राम ने किया। पाकिस्तान की सरजमीन पर ऐसे ऐसे रोशन सितारे जगमगाए कि जिनकी जगमगाहट से आज भी पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में एक बुलंद मकाम रखता है। इसी के कशा में चमकने वाले सितारों में एक सितारा अमजद हुसैन है। आज आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची इन्हीं के साथ एक शाम मना रहा है। सदारती तमगे हुस्ने कारकर्दगी हासिल करने वाले गुलकार अमजद हुसैन लाहौर में पैदा हुए। आपने मैट्रिक तक की तालीम लाहौर में ही हासिल की, इसके बाद आप कराची तशरीफ लाए और सेंट पैट्रिक्स कॉलेज से ग्रेजुएशन हासिल की। आपको 1989 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। आपके गाए हुए गीत, मिली नगमे, गजलें आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।